12-1 बजे के आसपास पटना आएंगी और उसके बाद वहां से सीधे गांधी मैदान जाएंगी और गांधी मैदान से लौट करके सीधे वो दिल्ली रवाना होंगी। मुझे अपार हर्ष है, पूरे प्रदेश के कांग्रेस जन इस सोनिया जी के कार्यक्रम से बहुत उत्साहित हैं और मैं समझता हूं कि जो हमारा टारगेट था, हम बार बार कहते थे कि लगभग 1.5 लाख के आसपास कांग्रेस जन इस रैली में पार्टिसिपेट करेंगे और विगत कई वर्षों से हमें कोई ऐसा मौका नहीं मिला था चुनाव को छोड़ करके या कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम को छोड़ करके इतने बड़ी तादाद में कांग्रेस जन को गांधी मैदान में बुलाने का, तो ये हम लोगों को सौभाग्य मिला है और करीब लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग कांग्रेस जन इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं समझता हूं कि ऐसी रैली विगत कई वर्षों में हुई नहीं थी और विगत कई वर्षों तक हो भी नहीं पाएगी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा के साथ साथ गुलाम नबी आजाद जी जो हमारे राज्यसभा में हमारे दल के नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी आ रहे हैं, हमारे महामंत्री सीपी जोशी जी भी आ रहे हैं, केएल शर्मा जी हमारे सेक्रेटरी आज ही आ चुके हैं, हमारे परेश धनानी जी जो सेक्रेटरी हैं वो भी शाम शाम तक फ्लाइट से चले आएंगे। आज रात में ही करीब करीब हमारे अंदाज के हिसाब से एक्सपेक्टेड है करीब 50,000 कांग्रेस जन आज पटना रात रात तक पहुंच जाएंगे, तो और उन लोगों को करीब करीब 25-26 जगह हम लोगों ने रहने की भी व्यवस्था की है। बार बार लोग कहते थे कि कांग्रेस का बिहार में क्या है, वो कल नजर आएगा कि कांग्रेस का बिहार में क्या है। राहुल गांधी आने वाले चुनाव में पूरी तरह से सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करेंगे। हम लोग समझते हैं कि बहुत से जगह पर रोड शो होगा, बहुत से जगह पर उनका आम सभा होगा, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि ये गठबंधन का था और ये आलाकमान को निर्णय करना था कि कौन पार्टिसिपेट करेंगे, पूरे कांग्रेस जन तो चाहते थे कि दोनों लोग पार्टिसिपेट करें। हो सकता है राहुल जी को कहीं बिजी हों कि कहीं दूसरा कार्यक्रम हो इसलिए, लेकिन हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा आ रही हैं, ये बड़ी बात है और निश्चित रूप से राहुल गांधी आने वाले समय में भी इस महागठबंधन को ताकत देने के लिए आएंगे, कार्यक्रम उनका भी लगेगा।